हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू की सब्जी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी सब्जी, एकदम लिपटमा। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, और इसको आप पूरी के साथ खाइए, पराठे के साथ, या फिर इसको कचौड़ी के साथ खाइए, बहुत ही डिलीशियस लगती है। इसको आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी है ये। तो आइए सब्जी बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, और ये आलू मैंने पहले से उबाल कर रखे हैं। आप एकदम ताज़े आलू उबाल कर यूज़ ना करें सब्ज़ी बनाने में, वरना जब आप इससे सब्ज़ी बनाएंगे तो आलू पूरे के पूरे सब्ज़ी में जाकर घुल जाएंगे। तो अंगूठे की सहायता से इस तरह से थोड़े से बड़े टुकड़ों में हमें आलू को तोड़ लेना है। आप चाहे तो आलू की सब्ज़ी आलू को काटकर भी बना सकते हैं, पर इस तरह से हाथों से तोड़कर बनाएंगे, हलवाई लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाएं, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है। और देखिए, कढ़ाई मैंने ली है, कढ़ाई में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तेल, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल कोई भी ले सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म करके 1 चम्मच जीरा डालकर अच्छे से चटका लेना है, बढ़िया से एरोमेटिक जब हो जाएगी तब उसके बाद में इसमें 2 हरी मिर्चें काटकर ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही हम इसमें 1 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, मैं तोड़कर ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम एक बारीक कटी प्याज ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया और उसको ऐड कर दी। तो प्याज को भी हमें हल्का कलर आने तक भूनना है, तो फ्लेम को मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर प्याज को लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। प्याज जब भुन जाएगी तब इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर प्याज भुन चुकी है, तो इस तरह से जब इसमें कलर आ जाए उसके बाद में इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दें। तो मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए, उसको रफली चॉप कर लिया और मिक्सी के जार में डालकर उसका प्योरे बना लिया। टमाटर अगर आपके लाल होंगे तो आपकी सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने भी यहाँ पर लाल टमाटर यूज़ किए थे और उसको ही मैंने मिक्सी में प्योरे बनाया है। देखिए, टमाटर को भी अच्छे से हमें पकाना है, तो मीडियम फ्लेम पर टमाटर को भी अच्छे से कुक कर लीजिए। टमाटर जल्दी से पक जाए इसके लिए मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके लगातार चलाते हुए अच्छे से कुक कर लेंगे। टमाटर पक चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एजिस पर इसने ऑयल को रिलीज कर दिया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर, और लाल मिर्च हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। मैं यहाँ पर लगभग 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे, कुछ सेकेंड तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे। मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे तब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। तो ये देखिए, हाथों से तोड़े हुए आलू मैं ऐड कर रही हूँ। मसाले में ही हम आलू को ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको हम सॉटे करेंगे। तो फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दें और इसको आप अच्छे से लगभग 2 मिनट तक सॉटे कर लें। ऐसा करने से जो मसाला है अच्छे से बिथ जाएगा, आलू के अंदर चला जाएगा, नमक भी थोड़ा चला जाएगा, तो एक तो आलू का कलर भी अच्छा आएगा, साथ ही आलू जो है फीके फीके नहीं लगेंगे। तो आलूओं को मैंने 2 मिनट सॉटे कर लिया और इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर दिया। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको पतली ग्रेवी खानी है तो पानी आप बढ़ा भी सकते हैं। वैसे 1 ग्लास पानी 5 आलूओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हलवाई वाली जो सब्ज़ी होती है थोड़ी सी लटपटी होती है, थोड़ी सी गाढ़ी होती है, बहुत ज़्यादा करी नहीं होती उसमें। देखिए, अब मैंने इसमें 1/2 चम्मच डाला है घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर, साथ ही मैंने इसमें 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम अमचूर पाउडर भी डाला है। इसे भी हम मिला लेंगे। तो गरम मसाले से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, और हलवाई लोग जो होते हैं वो अपना खुद का गरम मसाला यूज़ करते हैं, खुद का बनाया हुआ गरम मसाला यूज़ करते हैं, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ढककर सब्जी को 2 मिनट पका लीजिए, 2 से 3 मिनट, और उसके बाद में इसको ओपन करेंगे। तो लो फ्लेम पर मैंने सब्जी को पका लिया 2 से 3 मिनट तक, और देखिए सब्जी में बहुत अच्छा कलर आ चुका है, सारा ऑयल ऊपर आ गया है। तो सब्जी हमारी बनकर रेडी है। अब इसमें 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी डालेंगे हम, तो इससे भी बहुत ही बढ़िया बिल्कुल हलवाई वाला फ्लेवर आएगा। और साथ ही खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और फ्लेम को लो ही रहने दें। इसके बाद में इसको 1 से 2 मिनट वापस से ढक देंगे और सब्जी में अच्छे से कसूरी मेथी और धनिया का फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद में गैस को ऑफ करके इसको फटाफट हम रोटी पूरी पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, हलवाई वाली लिपटमा सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल टेस्टी रेडी हो गई है।
बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही डिलीशियस है। इसको आप फटाफट से गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए, बिल्कुल जैसे मैंने सिखाया है बिल्कुल वैसे ही बनाकर इसको इंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको मेरी ये सब्जी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लिखकर ज़रूर बताइएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप रखिए अपना ख्याल, बाय।